सचिव विनोद कुमार सुमन ने राज्य अतिथि गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अतिथि गृह में सभागार, डाइनिंग हॉल, किचन, पुराने फैमिली क्वार्टर समेत अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। साथ ही भवन के मरम्मत और नए निर्माण के लिए एक हफ्ते के अंदर विवरण पेश करने के निर्देश दिए। इस दौरान सचिव विनोद कुमार सुमन ने कडोलिया पार्क का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सचिव विनोद कुमार सुमन को कडोलिया थीम पार्क से संबंधित कार्यों के बारे में जानकारी दी। वहीं सचिव ने कहा कि पार्क को स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए दोबारा खोलने की कार्य योजना बनाई जाए। इससे कडोलिया व आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। उनके निर्देश है कि जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं वो जिले में जाकर देखें जो विकास कार्य हो रहे हैं, उनकी गुणवत्ता कैसी है, क्या कार्य हो रहे हैं, और अगर कोई शासन से कोई सहयोग चाहिए होता है तो यहाँ पे एक मौका मिल जाता है डीएम के साथ इंटरेक्शन करने का, वार्ता करने का भी डिटेल में हम लोग बात करते हैं और डीएम के लेवल से जो समस्याएं शासन में लटकी हुई हैं उसके बारे में चर्चा हम लोग करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि समाधान हो। उसी कड़ी में हमारा भ्रमण था, अच्छे कार्य हो रहे हैं और बाकी विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया जा रहा है, हम लोग कर रहे हैं, बाकी समय समय पर अधिकारी आ रहे हैं वो भी कर रहे हैं, तो हम लोग उसको देखते हुए जो कमियां पाते हैं उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। मिलजुल के काम किया जाना है, इस कड़ी में योजनाओं को देख के जो कमियां उसके बारे में सुझाव देते हैं, निर्देश देते हैं और कोशिश करते हैं काम गुणवत्ता।